फॉर्मेट आपको पार्ट वन का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको कॉलेज से फ्री दिया जाता है, यहाँ के छात्रों को अररिया कॉलेज अररिया से फ्री दिया जाता है फॉर्मेट को। लेकिन ये फॉर्मेट को यहाँ पे आपको कॉलेज प्रशासन द्वारा नहीं, छात्र संगठन द्वारा दिया जाता है। जब तक छात्र संगठन का ये रसीद नहीं कटेगा तब तक फॉर्म जो है नहीं मिलता है। यहाँ पे 1.5 महीने पहले जो है पूर्णिया यूनिवर्सिटी द्वारा निरस्त कर दिया गया था छात्र संघ को, लेकिन छात्र संघ कार्यालय भी खुला हुआ है। हम लोग की मांग है, हम लोग कॉलेज प्रशासन से मांग लेके बैठे हुए हैं कि इस तरीके के घटनाओं को रोका जाए, जो दलाली कॉलेज में चल रही है संलिप्तता, ये कॉलेज प्रशासन और छात्र संगठन की संलिप्तता से ये 5 रुपया ये फॉर्म का और 5 रुपया ये इसका फॉर्मेट का लिया जाता है। दूसरी बात, ये फॉर्म जो है ये फ्री मिलता है अररिया कॉलेज की तरफ से, और ये संगठन के द्वारा 5 रुपया इसका लिया जाता है और 5 रुपया इसका लिया जाता है जो ये फ्री मिलता है अररिया कॉलेज के द्वारा। लेकिन ये कोई एक संगठन छात्रों को देता और रंगदारी के साथ कहता है कि तुम अगर ये फॉर्म 5 रुपया नहीं दोगे, ये फॉर्म नहीं भरोगे तो ये तुमको नहीं मिलेगा, एडमिशन तुम्हारा नहीं होगा अररिया कॉलेज में। इसकी मांग को लेके हम जनाधिकार छात्र परिषद का यही मांग है कि इस पे FIR हो और उचित कार्रवाई करें। हम यही मांग को लेके जो पास किया 53,000 लड़के, सबका मेरिट लिस्ट बन गया, यूनिवर्सिटी प्रशासन को भिन्न भिन्न कॉलेज में अपना डाल दिया। वो लड़के आते हैं अपना 1100 रुपया फीस निर्धारित किया गया है यूनिवर्सिटी को दे करके, वहाँ कागज लेकर के आते हैं। तो हम लोग का ये किया कि उसका एक तो डाटा कल रखने के लिए, ताकि आइडेंटिटी कार्ड बनाना पड़े रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर मेन शैक्षणिक रजिस्टर मेंटेन करने के लिए एक प्रोफार्मा बनाया, और उस प्रोफार्मा को बना करके हमने बोर्ड पर चिपका दिया। अब बच्चे को कह दिया कि जिनको एडमिशन लेना है, जो 1100 रुपया पैसा कटा करके आएंगे, इसी परफॉर्मा के अनुसार वो भर करके दें। ये भर करके लड़के एडमिशन ले रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ 1600 एडमिशन हो चुका है और 200-300 एडमिशन और लगभग लगता है कि होगा। तो इस बीच में आज ये हमको पता चला कि जाप वाले आकर के हमको दिखाए कि नहीं, वो लड़का सब जो ये परफॉर्मा दे रहा है उसमें 5 रुपया का वो ABBP का रसीद, सदस्यता रसीद देता है, तब 5 रुपया दे करके वो रसीद देता है, जो गलत है और ये नहीं होना चाहिए। इस पर हम लोग जांच कमेटी बैठा करके कार्रवाई करें।